उसमें नमक चला गया तो दूध फट जाएगा उसमें दही चला गया तो दूध दही बन जाएगा यही कैरेक्टर है हम सभी का बुद्ध बोधित का मीनिंग है कि हमारा कैरेक्टर दूध का है घी का कैरेक्टर नहीं हमारा दूध का कैरेक्टर है दूध का मतलब है कि ऐसा निमित्त मिल गया था ऐसा बन जाएंगे वैसा निमित्त मिल गया था वैसे बन जाएंगे ये संभावना अंदर की है और पॉसिबिलिटी रियलिटी में आने के लिए जैसा स्ट्रक्चर मिलता है वैसी रियलिटी बनती है भाषा सीखने का सामर्थ्य सब में और भाषा सीखने का जो सामर्थ्य है वो कौन सी भाषा में डेवलप होगा इंग्लिश में कि हिंदी में कि मराठी में कौन सी भाषा हम बोलोगे ये तय नहीं है जो सिखाई जाएगी वो भाषा बोलोगे जैसे जुबान की भाषा है वैसे जिंदगी की भाषा है आप कौन सी भाषा सिखाते हैं? श्रद्धा की भाषा सिखाते हैं संशय की भाषा सिखाते हैं, आप भोग की भाषा सिखाते हैं योग की भाषा सिखाते हैं जो भाषा आप जीवन को सिखाओगे वो भाषा सीखी जाएगी स्वच्छ रहना अलग बात है स्वस्थ रहना अलग बात है क्लीन रहना अलग बात है और ग्लैमर में जाना अलग बात है भगवान महावीर को स्वच्छता के विरोध में नहीं बोल रहे ग्लैमर के खिलाफ बोल रहे और ये ग्लैमर की सारी इंडस्ट्रीज ये सुशांत राजपूत के प्रसंग कारण से उस ग्लैमर की दुनिया का सारा भयानक चेहरा आज लोगों के सामने आ चुका है ग्लैमर के चेहरे के पीछे क्या क्या छिपा हुआ है मैं बहुत बार इन लोगों से बात करते हुए यंग जनरेशन सब बात करते बोलता हूं कि जिन चेहरे तुम देखते हो और जिनके चेहरे देख करके तुम ग्लैमर में जाते हो जरा उनसे जाकर के पूछो ना वो चौबीस घंटे वैसा चेहरा रखते हैं क्या वो तो केवल जिससे में उनको कैमरे के सामने आना है स्क्रीन के सामने आना है उससे में वो ग्लैमर में आते हैं और जैसे उनका स्टेज शो पूरा हो जाता है पूरा कॉस्मेटिक वो वॉश करके रख देते हैं कि उनको पता है कि उस कॉस्मेटिक में जो केमिकल्स है उस केमिकल के कारण से उन पर क्या परिणाम होगा उनको पता है इसलिए जिनको तुम देख करके समझने का प्रयास करते एक बार रियलिटी में जाकर के देखो ना कि नॉर्मल लाइफ में वो कैसे जीते हैं बहुत अच्छी बात है अभी लॉकडाउन के माहौल में है बेना ने बहुत अच्छी फीडबैक दिया मुझे बोले मैं सब वो ऑनलाइन कार्यक्रम है ना उस कारण से बहुत आराम हो गया मैंने कहा क्या आराम गया मैंने कहा नहीं बोले मैं सब ऑनलाइन कार्यक्रम है तो कौन सी साड़ी पहन करके सुनने बैठे को टेंशन नहीं हाँ ये बहनों ने कहा मुझे वो स्थानक में आना पड़ता था बोले आधा घंटे तैयारी में लगता था आप क्या है बोले आधा घंटे की तैयारी जरूरत नहीं पड़ती है जैसे वैसे बैठ सकते सुनने के लिए अब देखिए क्या बोलती हो गई अरे यहां मुपत्ति लगा और मैं आपको ये सजने की बात क्या कहो आपसे सेवेंटी आवर्स के मेडिटेशन के शिविर लेते हैं और वहां में कई बार ये नेम लगा दिया कि तुमको कि यहाँ पर कोई कॉस्मेटिक यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है कौन के लिए पर आयो केवल साधना करने के लिए हैं लेकिन आश्चर्य होता है, कि जो 72 में आती है वो भी वहां लिपस्टिक लगा करके बैठती है तो मैंने सीधा क्या कि यहाँ किस लिए लिपस्टिक लगा रही है वहां भी तुम लिपस्टिक लगा बैठ क्यों कहा जा रही हो और नए नए तर के भूषा विभूषावती हम साहु संसार हम पड़े दूरते मुझे लगता है कि साधु शब्द हटा दीजिए पूरा संसार जो है इस सजावट के पीछे ग्लैमर के पीछे ऐसी बुरी तरह से दौड़ रहा है बुरी तरह से दौड़ रहा है कि उसको पता ही नहीं चल रहा है कि दिखाने के और शो के चक्कर में वो जिंदगी को खोता चला जा रहा है और कितने बुरी तरीके से खोते जा रहे हैं मैं आ, कई किस्से जो मेरे पास पहुंचे हुए हैं वो किस्से दे आपको सुनाऊं तो शायद आप लोग हिल जाओगे बोल भी नहीं पाऊंगा क्योंकि लेकिन वो सत्य घटना है सारी सत्य घटना है ये मेहंदी रचने वाले और उसमें पुरुष के द्वारा मेहंदी रचने का कार्यक्रम चलने वाला है और उसके आगे आने वाले परिणाम कितने भयंकर परिणाम होते हैं मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन बोली बिना रह भी नहीं पा रहा हूं एक की एंगेजमेंट हो गई थी, शादी की तैयारी चल रही थी और शादी की तैयारी में उसने अपने पूरे बॉडी पर मेहंदी रचाई और पूरे बॉडी पर मेहंदी रचा करके वो फोटो निकाल करके अपने श्रीमान जी को जो होने वाले थे उनको भेजा उस लड़के ने वो फोटो देख करके कहा कि मेरी शादी कैंसिल बाकी सारे कमेंट्स में तुमको नहीं सुना तुम सारे कमेंट कर सकते हो आराम से और देखिए क्या क्या मेरे मुझे तो कह के रोने वो लगरा नाखून के लिए ओके पीडी केयर मेडिकेयर पीडी पीडी हां पीडी केयर मुझे वो में लोगों ने कहा कि मां सब टाइम बोले माँ सब मेडिकयर के लिए हमको एक एक घंटा बैठ जाते करके, समय के लिए टाइम नहीं नाखूनों को संभालने के लिए और इतने विचित्र लगते सारे नाखून इतने कलर ये सारे आ, पता नहीं वे विदूषक बनते हैं कि विभूषक बनते हैं ये भी उनको पता नहीं रहता है और दिखते विदुषक है आप हंसो मेरी को मना नहीं हंसने के लिए आपको <laughs> लेकिन मुझे हंसनी रोकनी पड़ती है जब वो विदूषक सामने आते हैं तो मुझे हंसनी रोकनी पड़ती है आप तो हंस जाओगे आराम से हंस हाँ जाओगे अब मुझे बताओ कोई भी पचहत्तर साल की दादी हेयर डाय कर करके आ जाए तो उसको देख करके क्या लगेगा मुझे उसको विदूषक ने कहो तो क्या कहो मैं किसने करके समझ भी नहीं आता अरे बुढ़ापे में बाल सफेद होना तुम्हारे बुढ़ापे का गौरव है वो तो तुम समझदार हो गए तुम्हारे पास अनुभव की थाती आ गई है उसका एक प्रमाण है अब सबको पता है तुम सत्तर साल के हो चुके पचहत्तर साल के हो चुके तुम बाल रंगाओगे तो क्या तुमको लोग जवान समझेंगे क्या पता नहीं ये विभूषावती हम पता नहीं कितना चल रहा है कितना चल रहा है कितना चल रहा है मैंने दो दिन तीन पहले एक बार जिक्र किया कि जिक्र किया किया था था कि आपके का और प्राय घर में जब रुकता हो तो जाना होता तो कई जगह पर तो दादी को इंग्लिश आती नहीं ना दादी को इंग्लिश आती नहीं है तो दादी ने अपने पोतों से बेटों से उस बोतल पर लिखा रखा है कि कौन सी कब लगानी है स्नान के पहले कौन सी लगानी स्नान के बाद कौन सी लगानी <laughs> आप मुझे बताइए आप यदि दादी करती होगी तो पोतिया क्या करेंगी और कैसे आप रोकोगे पोतियों को रोकोगे कैसे पोतियों को क्या चल रहा है इसलिए लगता है कि और फिर परिणाम वही आने परिणाम यही आने यदि तुम शरीर को सजाने में लगे हो तो ब्रह्मचर्य का सपना देखने की साधना करने का सोच रखने की जरूरत ही नहीं तुमको शायद टिप्पणी बहुत तीखी हो जाएगी बहुत तीखी हो जाएगी बहुत तीखी हो जाएगी मैंने कई साधु साधियों को इस डाई के चक्कर में देख लिया और वो देखने के बाद लगता है कि ये भगवान अब इनको किस मार्केट में जाना है भगवान जाने। लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है और ये लोग कैसे साधना करेंगे ना जिनको जो अपने बालों की सच्चाई को कबूल नहीं कर पा रहे हैं, जो इस बालों की सच्चाई को छिपा रहे हैं वो जिंदगी के कौन से सच्चाई को कबूल कर पाएंगे जो स्वयं के शरीर का सत्य नहीं स्वीकार रहे हैं वो जीवन का सत्य कब स्वीकार कर पाएंगे क्यों परमात्मा कहते हैं विभु सावत्यम साहु संसार हम पड़े दूरअ उसका गहरा कारण ध्यान में रखिए कि वो अपने शरीर का दृश्यमान सत्य का जो इंद्रियों से दिखता है वो सत्य का जो आंख से खुली आंख से दिखने वाला सत्य को जो छिपाने का प्रयास कर रहे हैं वो वहां माया कर रहे हैं जो है उसको छिपा रहे जो नहीं वो बता रहे हैं ऐसा माया जल वो कर रहे हैं अपने शरीर को लेकर कर रहे हैं तो अंदर में कौन सा उस सच का व्यवहार कर पाएंगे वो यदि तुम शरीर का सत्य नहीं स्वीकार कर सकते हैं दृश्य सत्य को नहीं स्वीकार कर सकते हैं इंद्रियों के द्वारा दिखने वाले सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे तो जो इंद्रिय के परे सत्य है उसको कैसे स्वीकार कर पाओगे संसार चलता ही तो इसके आधार पर है तुम शरीर की दृष्टि रख करके चलोगे देह दृष्टि रख करके चलोगे तो चैतन्य तो नजर से ओझल हो ही जाना है शरीर केंद्रित दृष्टि शरीर प्रधान दृष्टि ये विभूषावती का मूल कारण है कि मैं शरीर के परे नहीं हूं मेरी चेतना का मुझे मूल्य नहीं है मेरी चेतना कैसी रहे तो चलेगी मेरा चेहरा अच्छा दिखना चाहिए मेरा चरित्र कैसा ही रहे जीवन में तेज होना चाहिए जीवन में वोझ होना चाहिए उस वोज और उस तेज को छोड़ करके इस शरीर को जो सजाने में लगे हुए हैं, उस शरीर को सजाने में लगे हुए हैं कि कितना ही सजा लो कितना ही सजा लो कितना ही सजा लो इसने बूढ़ा होना ही होना है झुड़िया तुम कितनी ही छिपाने की कोशिश करो झुरिया आने ही आनी है परी झुर थे शरीरम कैसा हवंती हवंत इंद्रभूति गौतम जो अनंत लब्धि संपन्न उनके लिए कहा जा रहा है कि शरीर का स्वभाव है कि उसने जीर्ण होना ही होना है शीर्ण होना ही होना है उस शरीर के जीर्ण होते हुए जागृत होना चाहिए कि उसको छिपाना चाहिए पहले के लिए हम राजाओं का जिक्र पढ़ते हैं तो उनके दिखने में सिर पर सफेद बाल आ गया तो समझते थे अब बुलावा आ गया है। अब अपने को रिटायर होना चाहिए अब जो सफेद बाल दिखता है तो लोग सोचते कि इसको डाई करना चाहिए कितना अंतर आ गया है सफेद बाल आ गए इसका मीनिंग हो गया क्या रिटायरमेंट का समय आ गया आज तेरे बाल काले के धोले हो गए तेरी आत्मा को भी काले से धोली कर ले ये मैसेज है उसमें से और वो देखता है कि नहीं धोले को काला कर लो नहीं बंदो इसलिए कहा गया कि गुस्सा वत्तीम सहु संसार हम पड़े दुरुत दरे। और पूरा संसार आज तो इस मामले में बोलने की जरूरत नहीं मेरे से आप जानते हो नेचुरल कहीं रहा ही नहीं कल्चरल भी कहीं रहा नहीं नेचुरल भी नहीं रहा ना कल्चरल भी नहीं सारा आर्टिफिशियल हो गए और नए नए तरीके चल पड़े नए नए तरीके चल पड़े मैं सुनता हूं कई बार पहले लड़का और लड़की देखने का कार्यक्रम घर में होता था अब लड़का और लड़की देखने का कार्यक्रम हाँ? होटल में होता है वो होटल में रहने वो लोग ना हाँ? होटल में रहने और होता क्या है फिर परिणाम हो ही आता है कि उस समय उस लड़की को बिल्कुल चार पांच घंटे किसी ब्यूटी पार्लर में से बताने के लिए लेकर आते हैं और शादी के बाद फिर कोई चौबीस घंटे तो वो रहना नहीं है फिर उसको शौक लगता रही दिखा क्या था ना है क्या है? फिर उसको झेलना भारी जाता है ये सारी संसारम पड़े दुरतरे रामायण का प्रसंग याद करो वो सोने का हिरण लुभा गया सीता को भाग गए राम और भगा लिया सीता को किसके पीछे दौड़े मैं मजाक मजाक में कई बार बोलता हूं जिन बालों को तुम रेशमी बनाते हो वो बाल के हलवे में आ जाए तो रेशमी बाले ना गुड़ी खा लेना रेशमी बाल है, है। सोचो यह ब्रह्मचारी का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है कि ब्रह्मचर्य आत्मनिष्ठ है शरीर निष्ठ नहीं है ब्रह्मचारी बनना है तो चेतना की तरफ फोकस रखना है चिंता को केंद्रित रखना है चैतन्य की अनुभूति करनी है आत्म तत्व की अनुभूति में तन्मय होना है उसकी शुद्धिकरण करना है उसकी भी शुद्धि करनी है वहां मन सुंदर रखने की बात है जीवन सुंदर रखने की बात है वहां नश्वर को संभालने की बात नहीं और शरीर को क्या संभालोगे सनत चक्रवर्ती की कहानी आंख खोलने वाली कहानी जिसका इतना सुंदर रूप जिसके रूप की चर्चा दूर दूर तक थी और उस रूप को देखने के लिए देवलोक से देवता वृद्ध का स्वरूप लेकर के आए प्रातः काल में पहुंचे राजा ने अब तक ब्यूटी पार्लर का कार्यक्रम पूरा नहीं किया है अभिनय में से उठाई और दर्शन के लिए पहुंचे राजा ने सनत चक्रवर्ती ने मैसेज दिया है कि थोड़ा अभिनय में सभा में मिलूंगा नहीं बोले हम तो जब तक आप दिखेंगे नहीं बहुत दूर से आए पता नहीं अभी देखना है और राजा को भी अच्छा लगा कि कोई मुझे देखने के लिए इतना तड़प रहा है और आए उस समय ये नहीं थी सनत चक्रवर्ती स्नान भी नहीं किया था अलंकरण भी नहीं हुआ था आए और उनको लगा सच में क्या रूप है और उनके वो अवभाव का चेहरा देख करके सनत चक्रवर्ती ने कहा अभी क्या देखा मेरा रूप तुमने मेरा रूप तो तुम देखना राजसभा में तब तक तुम आराम करो और शायद हो सकता है कि उस दिन राजा जलाई सजाऊंगा लेकिन ध्यान में रखना प्रोसेस कैसी शुरू हो गई अंदर में एक अहंकार आ गया मेरा रूप तो तुम वहां देखना इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी श्री सुनील जी श्री सुजीत जी श्री सूरज जी पारक पूना दाल एंड बेसन मिल्स पुणे